अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सिंपल टेक्स सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। जी हाँ, सीबीएसई का जो 12th का रिजल्ट था वो हाल ही में आने वाला है, काफ़ी ये न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है। अभी देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है और क्या कैसे हम अपने जो 12th का रिजल्ट है उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाऊँगा। गूगल क्रोम पर जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करा कि सीबीएसई 12th रिजल्ट, तो यहाँ पर न्यूज़ में मैंने देखा कि जो इसके लिए जो भी डेट है वो आज की बताई जा रही है, लगभग जी 8 मिनट एगो यहाँ पर ये दिखा रहा है कवर 365 पर कि ये 8 मिनट पहले ही यहाँ पर अपडेट करा गया है कि जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो आज ही डिक्लेयर होगा और जो इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे के बाद बताया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि कैसे सीबीएसई का रिजल्ट आपको देखना है। वैसे तो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है cbserelt.nic.in की, लेकिन काफ़ी लोग कन्फ्यूज में रहते हैं कि कैसे हम अपने रिजल्ट को देख सकते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट ही एक एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ, इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और डायरेक्ट ही आप वहाँ पर रोल नंबर और अपना जो भी प्रोसेस होगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह की वो डालकर अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। तो गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जैसे आप गूगल क्रोम प्ले स्टोर पर जैसे आप जाओगे तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां पर टाइप करना आप सीबीएसई रिजल्ट ऐप 2017, तो यहां पर आप देखोगे काफी सारे ऐप्स मिल जाएंगे। मैंने यहां पर जो इंस्टॉल कराया है वो सेकंड नंबर का कराया है जिसमें 4.3 की ग्रेडिंग मिली हुई है यहां पर। तो मैंने इसको जैसे ही मैंने ओपन करा यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी लोगों ने ये डाउनलोड भी कर रखा है और यहाँ पर मेरा जो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं डायरेक्ट आपको इस जो ऐप है यहाँ पर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो कैसा है। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग जब रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि काफ़ी वेबसाइट है, लोगों को पता नहीं रहता कि हम किस वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर अपना रिजल्ट देखें। तो बस यही है मेरा एक कि आप एक सिंपल मेथड की मदद से आप अपने जो रिजल्ट है वो सबसे पहले आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया कि जैसे मैंने दो ये वेबसाइट जो ऐप है मैंने डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट के मेरे पास दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं जैसे 12th के रिजल्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि जो भी प्रोसेस होगा, जैसे कि यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि अभी रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, यहाँ पर जेई का दिखा रहा है। उसके बाद ही जैसे ही वो अपडेट होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप रोल नंबर को एंटर कर सकते हो, साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ही आपका जो भी रिजल्ट है वो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। आपको किसी भी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेबसाइट बहुत हैंग हो सकती है, लेकिन जो जी ऐप है जी डायरेक्टली आपको बता देगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसे आ हुआ है। तो दोस्तों, बस मैंने ये वीडियो बनाई थी इसलिए जिससे आपको पता चल सके कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी जल्दी आने वाला है। काफ़ी लोग वेटिंग में हैं, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी जल्दी आ जाए, जिससे कि हमारा जो जो भी हमने आस लगाई हुई है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कितनी परसेंटेज आएंगी वो सारी सारी हमारी आ सकें। तो बस यही मेरा एक अपडेट था कि आप लोगों को बता दूं कि कैसे आप अपने सीबीएसई के रिजल्ट को बड़े आसानी से अपने फ़ोन में किसी एक ऐप की जरिए देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए जिससे जल्दी से जल्दी लोगों को पता चल सके, क्योंकि अभी आने वाले समय में हाई स्कूल का भी रिजल्ट आने वाला है। इसी तरह मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।